अशोक चौधरी जी, मोहन प्रकाश जी, परेश ननानी जी, सभी उपस्थित कांग्रेस जन, आरजेडी जन, एनसीपी जन, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, आपका यह ऐतिहासिक क्षेत्र और पूरा बिहार ऐसे महान नेताओं की कर्मभूमि रहा है जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में जबरदस्त भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद समाज के कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए हमारे नेताओं ने खूब संघर्ष किया है। बाबू जगजीवन राम जी ने इस क्षेत्र की तरक्की के लिए कितना संघर्ष किया आप खुद जानते हैं। यहाँ के किसानों को सिंचाई सुविधाओं की कमी की वजह से कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बाबू जगजीवन राम ने उनके दर्द को महसूस किया और करमचट बांध बनवाना शुरू किया। बीच में यह काम रुक गया था। मीरा कुमार जी के प्रयासों से इस बांध का काम अंतिम चरण में है और इसके पूरा होने पर जब नहरों में खूब अच्छी तरह से पानी आएगा तो ज़रूर यहाँ के किसानों और इर्द गिर्द के किसानों की ज़िंदगी में सचमुच बदलाव आएगा। मुझे इस बात का संतोष है कि मीरा कुमार जी बाबू जगजीवन राम के रास्ते पर चलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई जारी रखें, जिसका नतीजा आप सबके सामने है और जिसके बारे में अभी मीरा कुमार जी ने खुद आपको बताया है। बिहार में बहुत अरसे से कांग्रेस की सरकार नहीं, लेकिन हमारी यूपीए सरकार ने पिछले 10 सालों के दौरान बिहार के विकास के लिए पूरा योगदान दिया है, खूब धनराशि भी दी है। इसका जो धनराशि बिहार को मिला इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से सही तरीके से हुआ या नहीं आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं। वैसे तो कांग्रेस की नीति रही है कि पिछड़े क्षेत्र प्रगति करें और विकास का लाभ सभी को समान रूप से मिले, खासतौर से कतार का अंतिम व्यक्ति अपने को बेसहारा महसूस न करें और सिर उठाकर जिए। हमारे 2004 और 9 के चुनाव घोषणा पत्र में जो वादे किए प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में वे करीब करीब पूरे हुए। महात्मा गांधी नरेगा जो साल में 100 दिन का रोजगार की कानूनी गारंटी दी, 14 साल तक के बच्चों को कानूनी तौर पर मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया। विपक्ष की तमाम बाधाओं के बावजूद देश में कोई भूखा ना सोए इसके लिए खाद्य सुरक्षा या भोजन सुरक्षा कानून बनाया, नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाया है जिससे अब कोई भी किसी की जमीन बिना उनकी सहमति और बिना पूरा मुआवजा दिए नहीं ले जा सकेगा। कांग्रेस के विरोधी खासतौर से जो खुद भ्रष्ट है और हमारे ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगाते रहे, या आपको ये नहीं बताएंगे कि हमने ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सूचना के अधिकार का कानून बनाया जिसे कोई भी किसी भी सरकार के कामकाज के बारे में कानूनी तौर पर जानकारी हासिल कर सकता। मेरी बहनों को
जीवन के हर क्षेत्र में सशक्त बनाना कांग्रेस का संकल्प है। हमने लड़कियों की शिक्षा के लिए वजीफा, उनकी शादी, गर्भवती माताओं और उनके उनके होने वाले बच्चों की देखभाल के लिए अन्य कार्यक्रम शुरू किए हैं और महिला सशक्तिकरण की हमारी नीति का मिसाल है, जो मिसाल है यह है कि आपके क्षेत्र की सांसद मीरा कुमार जी को कांग्रेस ने देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष भी बनाया और जिस तरीके से उन्होंने अपना इस जिम्मेदारी को निभाया वह काबिले तारीफ है। मैं जानती हूँ कि परिवार में जब कोई सदस्य बीमार होता है तो उसका असर पूरा परिवार पर पड़ता है, उनका सुख चैन छिन जाकर कर्ज भी लेना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। इसीलिए हमने कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में देश और समाज के एक एक नागरिक के हित में कांग्रेस के तमाम संकल्पों के साथ ही स्वास्थ्य का अधिकार देने का भी वादा किया। ऐसा होने पर देश के हर नागरिक को मुफ्त इलाज और दवाएं प्राप्त करने का हक होगा, कानूनी तौर पे हक होगा। भाइयों और बहनों, आजकल वैसे तो बहुत सारे वादे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक मुख्य वादा को आपके सामने पेश किया। आजकल भाजपा के नेता बड़ी बड़ी बातें करके लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, जैसे किसी राज्य का विकास सिर्फ उन्हीं की वजह से हुआ है। उनसे पहले तो किसी ने कुछ किया ही नहीं। असलियत ये है कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से बिहार, पाकिस्तान, गुजरात के साथ भी हर राज्य में प्रगति और विकास के कामों की एक ठोस नींव रखी, जिसे आज भारत पूरी दुनिया में सिर उठाकर खड़ा है। कांग्रेस ने सामाजिक सद्भाव कायम रखने के लिए लगातार संघर्ष किया है ताकि देश में शांति रहे और विकास हो। शांति और सद्भाव के बिना कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। ये बात ये लोग नहीं समझ सकते हैं जिनकी निगाह सिर्फ कुर्सी पर है, जो कुर्सी पाने के लिए भाई भाई के बीच दीवारें खड़ी करती है और जो लोकतंत्र को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सब वो बोले जो ये चाहे, सब वो देखे जो ये दिखाए, सब वो करे जो ये कहे। इनका कहना क्या है? इनका कहना ये है कि जो सिर्फ इनकी विचारधारा माने उसकी देशभक्ति तो सच्ची है, और जो भारत की विरासत गंगा जामुनी तहजीब में विश्वास करते हैं, जो कि सदियों से भारत की रूह है, वह देशभक्त नहीं। खुद ही निगाह में सिर्फ ये सच्चे हैं, बाकी सब कच्चे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये क्या ये लोकतंत्र है? ये सही बात है? ऐसे लोगों पर विश्वास करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। भाइयों और बहनों, उनके साथ ही मैं आपको उन लोगों से भी सावधान करना चाहूंगी जो समय समय पर अपना चेहरा बदल कर आपके सामने आ रहे हैं, और वे लोग भी
जो कल तक भाजपा के साथ थे और अचानक सेक्युलरिज्म के मसीहा बन गए। ऐसे लोग अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हमारी सरकार पर गलत इल्जाम लगाते हैं। मैं उन्हें याद दिलाती हूँ कि कांग्रेस ने शुरू से समाज के सभी वर्गों, खासतौर से दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अकलियतों और महिलाओं के उत्थान के लिए उनके जीवन को और थोड़ा आसान बनाने के लिए खूब संघर्ष किया। हम अपने उसूलों पर चलते हुए देश और समाज की तरक्की के लिए अपना संघर्ष हमेशा की तरह जारी रखेंगे और आम नागरिक के जीवन को और बेहतर बनाएंगे। यह हमारा पक्का इरादा है, यह हमारा पक्का संकल्प है। तो भाइयों और बहनों, हमारा देश एक परीक्षा से गुजर रहा है और आपको इस बार बहुत बहुत सोच समझ कर फैसला करना है। जो लोग आपको सुनहरे सपने दिखा रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और जो समय के हिसाब से मुखौटे बदल रहे हैं, वे आपके साथी नहीं है, बल्कि कुर्सी के साथी है, सत्ता के साथी है। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि चुनाव के दिन अपना एक एक वोट कांग्रेस, आरजेडी, एनसीपी को देकर हमारे सभी उम्मीदवारों, मीरा जी और कांति जी और सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताए, देश में प्रगति और खुशहाली लाए। अंत में इन शब्दों के साथ मैं आप सबको दिल से आप सबको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। और अभी मेरे साथ जोर से बोलिए, जय हिंद। और जोर से, जय हिंद, जय हिंद।